हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीआई ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी। कांग्रेस बोली, जो हम 60 साल में ना कर पाए वो मोदी ने 5 साल में कर दिया। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले राजनीतिक दलों में ही फूट पड़ती थी, मगर अब जांच एजेंसी सीबीआई में ही दो फाड़ हो चुकी है। सीबीआई में नंबर एक और दो आपस में भिड़ चुकी है। यहाँ पर नंबर एक यानी आलोक वर्मा ने नंबर दो यानी राकेश अस्थाना पर आरोप लगाया और उनके सहयोगी डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार को मोइन कुरैशी से संबंधों के चलते गिरफ्तार कर लिया। जिस मामले में देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई उसमें सबसे पहला नाम राकेश अस्थाना का है और दूसरे नंबर पर नाम देवेंद्र का है, मगर आलोक वर्मा ने घूसखोरी में लिप्त और पीएम मोदी के करीबी कहे जाने वाले राकेश अस्थाना को गिरफ्तार नहीं किया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी जांच एजेंसी ने अपनी जांच एजेंसी के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा को तलब किया, मगर दोनों के बीच बढ़ चुकी दूरियां कम होंगी इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले पर पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जहां अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही राकेश अस्थाना को पीएम मोदी का दुलारा कह चुके हैं। वहीं अब प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर हैदराबाद के एक बिजनेसमैन सतीश बाबू सना की शिकायत पर दर्ज हुई। सतीश बाबू ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने खिलाफ जांच रोकने के लिए 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। एफआईआर में अस्थाना के खिलाफ साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के प्यादे के कतरे पर कोर्ट ने सीबीआई को हथियाने की कोशिश नाकाम की, सुरजेवाला। सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को मामले की जांच 2 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक की अगुवाई में होगी। केस की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए उसके द्वारा नियुक्त अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सीबीआई में कोई भी बड़ा बयान या नीतिगत फैसला करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए कोर्ट के आदेश के बाद नागेश्वर राव महज रूटीन काम करेंगे। किसी तरह का नीतिगत फैसला, किसी केस को खोलने अथवा बंद करने, किसी बड़े अफसर का तबादला करने जैसे काम उनकी कार्यपालिका से बाहर होंगे। सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पर कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते ही सच सामने आ गया। मोदी सरकार के प्यादे के जरिए सीबीआई के हथियाने की कोशिश नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन अत्याचारियों के मुंह पर तमाचा है जो सीबीआई की स्वायत्तता को खत्म करना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सीवीसी मोदी सरकार के इशारों पर काम नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. पटनायक की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार सीबीआई विवाद के बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वर्मा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। डोभाल बोले, गठबंधन वाली सरकार नहीं चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं या बीजेपी के सलाहकार। मोदी सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है। जिस तरह से राफेल डील को विपक्षी दल घोटाला साबित करने में लगे हैं, वो साबित हो ना हो, मगर इससे प्रधानमंत्री मोदी की साफ छवि को नुकसान जरूर हुआ है। यही वजह है कि जब मुसीबत सामने आई तब एक गैर राजनीतिक शख्स सरकार के समर्थन में बयान देता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर में दिए अपने भाषण में कहा कि कमजोर लोकतंत्र ऐसा देश बनाते हैं जो नर्म शक्तियां बनकर रह जाते हैं। भारत नर्म शक्ति नहीं बन सकता, उसे ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे वो मजबूत शक्ति की काबिलियत हासिल कर सके। भारत को अगले 10 साल के लिए ऐसी निर्णायक सरकार की जरूरत है जो कड़े फैसले ले सके, जो लोगों के भले के लिए हो, भले ही लोकप्रिय फैसले ना हो। डोभाल के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी। रोशन राय ने लिखा, किस किस से राजनीति करवाओगे मोदी जी। श्याम ने लिखा, ये तो बीजेपी एजेंट की तरह बात कर रहा है। एक ने लिखा, सरकारी एजेंसियों को भी मोदी ने राजनीति पर लगा दिया है। वहीं हर्षदीप ने पूछा कि क्या ये राजनेता फिर आईबी चीफ है। जानकारी के लिए बता देना जरूरी है कि अजीत डोभाल मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। ऐसे में उनका पद पर रहते राजनेताओं जैसे बयान देना और बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगी जैसे महागठबंधन को खारिज कर देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अजीब हालात पहली बार पैदा हुए। मोदी सरकार में राफेल रक्षा सौदे पर कृषि मंत्री बोलते हैं और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों का जवाब देती नजर आती हैं, मगर अजीत डोभाल जो ना मंत्री ना ही नेता मगर राजनीतिक बयान दे रहे हैं और इशारों में फिर से मोदी सरकार चुनने को कह रहे हैं।
न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी बताएं सीबीआई घोटाले में कौन कौन खा रहा है। सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा। उन पर भ्रष्टाचार करने के सीधे सीधे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान मोदी सरकार का होगा, क्योंकि पीएम मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा पहले ही दे चुके हैं। अब इस मामले पर कांग्रेस सीबीआई और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई में आरोप प्रत्यारोप पर भारत सरकार मौन है, सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। जो शीतयुद्ध आज प्रकट होकर सामने आ रहा है उससे स्पष्ट होता है कि आरोप प्रत्यारोप सिर्फ सीबीआई अफसरों तक ही सीमित नहीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई का खुद का दामन साफ नहीं तो किस मुंह से भारत सरकार और सीबीआई अब भ्रष्टाचार वाले मामलों की जाँच करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो समझ में आएगा कि सरकार के माध्यम से हस्तक्षेप हो रहा है और भारी भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने की साजिश सीबीआई के अंदर रची गई थी। बता दें कि सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्थाना पर आरोप है कि मांस कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े एक मामले में जिस आरोपी के खिलाफ वो जांच कर रहे थे उससे उन्होंने रिश्वत ली है। वहीं इस मामले पर सीबीआई ने अपना मत रखते हुए कहा कि ये आरोप मिथ्या और दुर्भावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है। अमृतसर हादसे में अनाथ हुए बच्चों को सिद्धू ने लिया गोद, बोले मैं ता उम्र इनका ख्याल रखूंगा। कांग्रेस नेता एवं पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा अगर किसी परिवार में कोई कमाने वाला या संभालने वाला नहीं तो मैं और मेरी पत्नी ताउम्र उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। सिद्धू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो इस हादसे से पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, वो पीड़ित परिवार की उम्र भर मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही सिद्धू ने हादसे में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की घोषणा करते हुए कहा मैं सभी अनाथ बच्चों को गोद लेता हूं और जितने भी बच्चे अनाथ हुए हैं वो मेरा परिवार है। सिद्धू के इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर प्रशंसा हो रही है। कई मशहूर हस्तियों और पत्रकारों ने सिद्धू के इस कदम को सराहनीय बताया है। समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पंकुड़ी पाठक ने ट्विटर पर लिखा सुना है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर रेल हादसे में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेंगे। अगर ये सच है तो मानवीय नेतृत्व का सही उदाहरण है जिसकी न्यू इंडिया में हमें जरूरत है। जहां सियासत ने बुरी तरह सहानुभूति के तत्व को खो दिया है, वहीं पत्रकार रूबिका लियाकत ने भी ट्विटर के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू के इस कदम को सराहनीय बताया। बता दें कि शुक्रवार को अमृतसर में जोड़ा फाटक के नजदीक दशहरा वाले दिन रावण दहन देख रहे लोगों को पटरी पर रौंदते हुए ट्रेन निकल गई। इस हादसे में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोगों का अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।